अस्सलाम वालेकुम जनाब, किसान भराओ, अज मैं खान विकास के फार्म से आया। इतने इन्हें लसन ना जी जदीद टेक्नोलॉजी आई है, साढ़े जे सैंसी डॉक्टर ना उन्होंने मुतारफ कराई है। उस टेक्नोलॉजी के तहत इन्होंने लसन कास्ट किया। मैं थोड़ा दसागा लसन कास्ट किस तरह किया, इतने खर्चा कि आया, खादा कि पानी किन्ने लगे हैं, और इन्होंने जो खेलों बना के अपनी खेलों ढकिया पराली नाल, पराली कि लगी है। तो मेरे को खड़े ने जनाब खालिद साहब, एक किसान ने जिन्होंने इतने दिन रात काम किया, तो इमरान साहब मेरे को ने, तो मैं पूछागा इमरान साहब ये अपना खर्चा किन्ना आया खेला बनाने। खेला बनाने जोड़ा किले का आता डेजर का 1000 रुपया किला दिन किया। अच्छा जी सही है। देखो ना गल पता लग गया कि बड़ी लाइना सीधी लाइया इन्होंने। देखो जनाब तुम्हें दिखाने के बिलकुल सीधिया लाइना दोनों बने चढ़ते लेंदे भी शर्कन कर भी। ये देखो बिल्कुल सीधिया लैना, छे लैना, 1 2 3 4 5 6 छे लगे ने छोटे का, बाकी लंबे का लंबी लैना बिल्कुल लैना सिर। आ दिखाओ जरा कैमरा मार के जनाब, आ देखो सर बिल्कुल सीधिया लैना। अच्छा दूसरी गल खालिद साहब, इतने असी खाद कि इस्तेमाल की है? खाद जी सब तो पहले DAP पाई है किले की बोरी। नहीं किस स्टेज पर पाई है, यानी कि जो भाई करते हैं भाई खेला पा तो पहले DAP पाती। हाँ जी DAP पाई है। अच्छा उस तो बाद पानी लाया, फिर असी 2 बोरियां नैट्रोफास दी पाई। सही है। तो हूँ उस तो बाद कोई नहीं, हूँ पानी पटाश पाई दी यूरिया क्यों नहीं पाई लसन में? पैदावार चंगी हो जाएगी, लेकिन लोगों ने घर रख के साल खाना होंदा। लोगों का एहसास करदे होया यूरिया नहीं पाते कि यह देर तक लसन जिंदा नहीं रहेगा। जो यूरिया पाई होगी लोग घर जाके रखे ये मुठे बना के, क्योंकि साल इस्तेमाल करना होंगे वह गल जाएगा। ये देखो जनाब अल्लाह ने इन्हों कि नेकी दी है, ये कि एहसास करते हुए आवाम का ये यूरिया नहीं इस्तेमाल कर रहे ताकि साडा लसन गले ना, ताकि देर तक जिंदा रहे। अच्छा दूसरी गल अपनी जी कहानी से असल कि जी पराली इतने पई है वो किन्ने किले की पराली पई है? एक दवाड़े की किले एकड़ लेकिन थोड़ा फायदा किस रहा कच्चे बेचे या पूरा पूरा पक के ये जिहड़ियां खेलियां बनाईया ये तुम इन खत्म कर दोगे, नवे सिरे दोबारा बनाओगे इन्होंने खेलिया द्वारा, फिर अगली फसल कास्ट करोगे? इन खत्म करके दोबारा बनावांगे जी। अच्छा कपाह लग सकती है, खेती भिंडी लग सकती है, भिंडी जे लानी है भिंडी ला दी, भिंडी लग सकती है, दो चौं दिनों बाद साइडां ते भिंडी लानी है, यानी साइडां ते भिंडी लग सकती है। यानी कि साडी एक फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो खालिद साहब तो इमरान साहब कह रहे हैं कि जनाब भिंडी लग सकती है, भिंडी की आमदन भी क्योंकि मुफ्त ही आएगी, नरमा भी लग सकता, कपाह भी लग सकती है, कपास भी लग सकती है, भिंडी भी लग सकती है। तो तुम कि कास्ट कर रहे हो? अभी तकरीबन साडा इरादा भिंडी का, भिंडी लाने का। सही है। ये जनाब देखो ये नवी टेक्नोलॉजी तहत इन्होंने पराली बिछा के बीजन लगिया, पहले 4 मन बी बचाया, तो गोडी करने की बिल्कुल लोड़ नहीं पई। हूँ तकरीबन हर बंदा चक्कां थावां उठ के शहरां चले गया मजदूरी लई, किसानों मजदूर लभने बड़े औखे हैं, मजदूरी बचाने लिए इन्होंने, क्योंकि मजदूरी इन्नी बता मजदूर नहीं लभदे इन्ने गोडी करने लिए, उन्होंने देख लिया कि पराली पाने की वजह ना कोई जड़ी बूटी इतने नहीं होगी, लिहाजा किसान भराइयों चाहिए। जे इस इलाके के लोग असं कत्ती चक्क बोल रहे हैं, ये खान विकास की फार्मिंग आ। तो आ दिखाओ जरा जी थोड़ा दूजा लसन लगे भी, आज दिन का बाग भी है, हाँ जी। तो इस तरह मैं थोड़ा अगली वीडियो जी खान विकास ने अंगूरों का बाग लाया उसे थोड़ा वीडियो बना के दिखावगा कि उन्होंने किमें कास्ट किया, किस तरह पिलर गड्ढे हैं। तो यह थोड़ा दसने का मकसद ये कि तुम भी पदरे लाने की वजह पदरे लाने की बजाय इस टेक्नोलॉजी को अपना लो, तो खेड़ा बना के उत्तर पराली पा देनी है, पराली पा के पोथियां ला देनी है, पोथियां पहले ला दी, पोथियां पहले लाने तो बाद पराली पा देनी है, तो इन पानी ला देना पानी। अच्छा तुम पानी कितने लाते इमरान साहब? पानी तकरीबन तीसरा पानी, तीजा पानी लग गया जी, जबकि पोथी हुण इस्तेमाल दे काबिल हो चुकी है, थले इन्ना बल्ब बन गया कि इस्तेमाल दे काबिल हो गया, अगर अगले हफ्ते तक कच्चा पुट के वेचण दे वेख्या जा सकता।
लेकिन ये कच्चा नहीं बेचते, ये पूरा पका के फिर ही पुटते हैं। तो किसान भरावों को चाहिए कि नवी टेक्नोलॉजी तो फायदा उठाण, इन्ना खर्चा कोई नहीं आता। पराली साडे लोग साड़ते हैं, पिंडा थावां विच पराली इन्नी हुंदी कि साड़ी जाती है, साड़न नाल ते स्मोक पैदा हुंदा, पोल्यूशन पैदा हुंदी है। लिहाजा किसानां नूं चाहिए कि नवी टेक्नोलॉजी अपनाण, इस करके अपनी फसलां काश्त करन। ये दस रहे हैं कि सामने खालिद साहब ते इमरान साहब कि ते कपास भी लग सकती है, भिंडी भी लग सकती है, जो दिल करदा काश्त करन। अच्छा, जो कपास लावांगे वो पैदावार फर्क तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, भिंडी की पैदावार फर्क भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। हलो, किसान भरा कह रहे हैं जनाब कि अगर असीं इत्थे काश्त करते हैं, जनाब कि अगर असीं इत्थे काश्त करते हैं, इस तरह कि एक फसल तैयार आ, हुण कपास लग जाएगी, अगले महीने कपास लग जाएगी, जो कोरा पैना हटिया यानी कि मार्च के आगाज अगेती कपास लग जाएगी। तो लिहाजा किसान भरावों चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाण, इतने खर्चा एडा कोई नहीं आता। इन्होंने खाद भी नहीं पाई, तीन पानी लगे हैं, तो खेड़ा बनाइया, तो पोथियां ला के उत्ते पराली पाती है, कोई जड़ी बूटी नहीं उगी, कितने कितने कोई पौधा हो गया वो बंदा तुरदा फिरदा बंदे फड़ लेंगे, लेकिन बाकी खेड़ा बिल्कुल साफ नहीं है। लिहाजा मैं अगली वीडियो के लिए थोड़े को इजाज़ कहना, इंशाल्लाह अगली वीडियो दिखावांगा कि किसान भरा अंगूर किमें काश्त करते हैं, अंगूरों की पिलर किस तरह बनते हैं, तार किमें कसी जाती है। अस्सलामु अलैकुम।